सरायपाली में थाना प्रभारी और उनकी टीम ने नर्सरी के पास छुपा कर रखे गए लगभग 40 लाख रुपए के गांजे के साथ दो स्थानीय आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि सरायपाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम खपरीडीह वन विभाग की नर्सरी के पास राधेश्याम कलेत और ग्राम कसलबा निवासी अशोक सोना भारी मात्रा में गांजा छुपा कर रखे हैं। ऐसी सूचना मिलते ही थाना सरायपाली पुलिस की टीम ने तैयार कर दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा है। उनके कब्जे से करीब 80 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमत करीब 46 लाख रुपए को जब्त किया है। इसके साथ ही आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इसमें मुखबिर से हमने इसकी वो करवाई गई तो इसकी सत्यता पता चली और इसमें दो आरोपी जो थे राधेश्याम और अशोक सोना, ये खपरीडी और एक दूसरा कलासवा गांव का है। इनके पास से संयुक्त इनके पास से ये 80 किलो गांजा 80 पैकेट में बरामद हुआ है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 40 किलो है। इसमें अपराध क्रमांक 24/2024 कायम किया गया है और इसमें आरोपियों को गिरफ्तार करके जब्ती करके इसमें विधिवत कार्रवाई